अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक छोटा सा सिंपल आइकन ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल क्या है, एक छोटी सी पेंसिल आइकन। आप लोगों ने मेरी एक वो पेंसिल वाली क्लास देखी होगी, यहाँ ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड थी, वो यस रियलिस्टिक इलस्ट्रेशन थी। लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं, दिस इज वेरी सिंपल आइकन। यूजली ये पेंसिल वाला आइकन आपको बहुत सारी मोबाइल एप्स में दिखता है जिसमें एडिट का ऑप्शन होता है। एक और खास बात ये होती है कि जो सिंपल आइकन्स होते हैं वो सिंपल वन कलर आइकन्स होते हैं और उसमें तमाम तर डिटेल्स इस तरह से दिखती है कि लाइक स्ट्रोक भी नहीं होते और स्ट्रोक की जगह हमारा बैकग्राउंड कलर दिख रहा होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं कि मैं एक अदद ले रहा हूं, राउंडेड रेक्टेंगल, और राउंडेड रेक्टेंगल मैंने कुछ इस तरह से लंबा सा रेक्टेंगल बनाया। एंड लेट्स डू वन थिंग कि मैं इसके कलर्स स्वाप कर रहा हूं, लाइक ब्लैक फिल एंड वाइट स्ट्रोक, ताकि मुझे इसके बीच में गैप्स नजर आते रहे, राइट। सो मैंने इसकी एक कॉपी ली। याद रखिएगा कि आपके स्मार्ट गाइड्स ऑन होने चाहिए ताकि वो आपको गाइड करें कि जी एग्जैक्टली आप यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हो। और मैंने इसी की एक कॉपी ले ली कंट्रोल डी से, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट चीज मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर बैक पार्ट इसका बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और इसके ये दो ऊपर वाले पॉइंट्स सेलेक्ट करके कॉर्नर विजेट से इसको थोड़ा सा राउंड कर रहा हूं। नाउ अगर आपके पास CS6 है तो आप राउंडेड रेक्टेंगल से बना सकते हैं और देन उसके बाद इस जगह को फ्लैट कर दीजिएगा, उसका राउंड खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ नीचे इसका एक पार्ट और, जिसमें मैं एक और रेक्टेंगल बना रहा हूं और इसमें मैं ये ख्याल रखिएगा कि ये बिल्कुल एज टू एज हो। तो इसमें मैं सिंपली ये कर रहा हूं कि मैं यहां पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं और इस पॉइंट को माइनस कर रहा हूं और इस पॉइंट को माइनस कर रहा हूं। ये तीनों जो मैंने पॉइंट्स ऐड किए और ये दो, एक पॉइंट ऐड किया और दो सब्ट्रैक्ट किए, ये मैंने पेन टूल से ही किया है। और इस पार्ट को सिंपली सेंड टू बैक कर दें। ओके, सो हमारा देखिए बड़ा सिंपल सा एक आइकन ऑलमोस्ट तैयार है। और सिंपली मैं इसको ये कर रहा हूँ कि इसको पार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। एक लाइन सेगमेंट टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ से एक छोटी सी लाइन डाल रहा हूँ। नाउ देखें, इस वक्त जो मेरे स्ट्रोक्स हैं वो बहुत थिन हैं और हमें कुछ इस तरह से करना है कि अपने स्ट्रोक्स के जरिए हमें इनके लाइन्स के बीच में गैप्स बनाने। सबसे पहले एक काम ये कर लें कि आप अपना ट्रांसफॉर्म पैनल खोल लें। ट्रांसफॉर्म पैनल में मैं एक काम ये कर रहा हूं कि मैंने ये लिंक रखा हुआ है और इसकी विड्थ में रख रहा हूं 50 पॉइंट्स। अब ये क्यों कर रहा हूं ये भी आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा। सो 50 पॉइंट्स इसकी विड्थ है, याद रखिएगा हाइट नहीं है, 50 पॉइंट्स सिर्फ विड्थ है, ठीक। और उसके बाद मैं इसका स्ट्रोक्स रख रहा हूं तकरीबन 6 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखें बहुत ज्यादा बड़े बड़े गैप्स आ गए हैं, यही हमें चाहिए क्योंकि ये जब आइकन बहुत छोटे साइज में होगा तो ये गैप्स एज ये लाइक इस तरह से काम करेंगे कि स्ट्रोक लगेंगे, राइट। सो सिंपली एक काम ये करेंगे, अभी तक याद रखिएगा कि हमारे पास ये स्ट्रोक्स ही हैं और अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो देखें पूरा हमारा फिल गायब हो जाएंगे, ठीक। सो हमें स्ट्रोक्स नहीं रखने हैं, हमें स्ट्रोक्स के जरिए ये गैप्स क्रिएट करने हैं। सो सिंपल सा काम मैं ये कर रहा हूं कि इसको ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाएंगे एंड आउटलाइन स्ट्रोक्स कर देंगे और उसके बाद पाथफाइंडर में आके यहां से ये मर्ज का बटन है ये क्लिक कर देंगे। अब इससे ये हुआ, अगर मैं इसको यहां रख के दिखाऊं तो ये जितने भी स्ट्रोक थे ये आपके फिल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं ये कर रहा हूं कि ये जितना व्हाइट वाला पार्ट है मैं मैजिक वांड से सेलेक्ट कर रहा हूं। देखें याद रखें मैंने यहां व्हाइट पे क्लिक किया है तो यहां व्हाइट सेलेक्टेड आपको दिखेगा, ठीक है। एंड सिंपली कीबोर्ड से आप प्रेस कर दें डिलीट। अब ये हुआ है कि जितना वाइट वाले पोर्शन से वो सब डिलीट हो गए, इसको यहां रख के देख लें। अब ये खास बात ये है कि अब ये जो मेरा आइकन है ये बिल्कुल सिंपल वन कलर आइकन है, इसको मैं किसी भी कलर में रख सकता हूँ, किसी भी बैकग्राउंड पे, राइट। एंड इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ 45 डिग्री पे। अब देखें अगर इसको मैं बहुत छोटा भी करता हूं तो आप फिर भी इसकी डिटेल्स देख पाएंगे।
एंड ये इस तरह के आइकन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं यार, ये ख्याल रखिएगा कि मैंने जो यहाँ पे गैप्स रखे थे ये पर्पसली ज़्यादा रखे थे ताकि इवन अगर छोटे भी हो जाएं तो ये गैप्स नज़र आने चाहिए। सो बहुत छोटे आइकन साइज में भी आपके जो है डिटेल्स सारी की सारी दिख रही होंगी। सी दिस, मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ उसको, राइट right? या इवन मैं अपना यहाँ ट्रांसफॉर्म पैनल से जाके इसको 50, अब देखेंगे ये डायगनल है लाइक 45 डिग्री पर है तो एक तरह से स्क्वायर के अंदर ही आएगा। सो अगर मैं 50 यहां से इसका साइज रख रहा हूँ, सी दिस, ये भी आपका 50 हो जाएगा। याद रखिएगा ये चेंड है, और अगर मैं इसको 100% आपको दिखाऊं तो ये देखें बहुत छोटा साइज है 50x50 आइकन। इवन इससे और छोटा अगर मैं करना चाहूँ, लेट्स से 32x32, स्टिल आपको तमाम तर डिटेल्स नजर आ रही हैं। सो याद रखिएगा कि ये सिंपल आइकन्स बहुत ज्यादा काम के हैं। यूजुअली flaticons.com या इस तरह की वेबसाइट से लोग डाउनलोड करते हैं। मैंने कहा कि हर चीज डाउनलोड ना करें, मतलब छोटी मोटी चीजें हम खुद भी बना सकते हैं और ज्यादा देर नहीं लगती। और एक अगेन फिर मैं हमेशा कहूंगा कि खुद के हाथ से जो बनाई हुई चीज होती है उसमें आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।